नाउ अगेन कम टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डायग्राम. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था. नाउ इट मेक्स अ कोवलेंट बॉन्ड एट जीरो केल्विन. ओके दिस इज योर जीरो केल्विन. ओके जीरो केल्विन है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किस टेम्परेचर पे? जीरो केल्विन पे. और इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द वैलेंस बैंड इन द कोवलेंट बॉन्ड. ओके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस बैंड में, वो सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो ध्यान रखना ये वाली बात. ओके कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोई से भी इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है. अब एक माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर करंट कहाँ से फ्लो होगा? एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो अवेलेबल होना चाहिए, तो करंट तो तभी मिलेगा. तो यहाँ पे फिलहाल हमारे को करंट को फ्लो कराने में प्रॉब्लम आने वाली है. ना अगर हम बात करें 300 केल्विन टेम्परेचर की, ये तो जीरो केल्विन था, अगर हम बात करें 300 केल्विन टेम्परेचर की, तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड में से निकल जाते हैं. अच्छा इस चीज को समझने के लिए बच्चों आप पेज नंबर 473 फिगर नंबर 14.5 को देख सकते हैं, इसमें और अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा आपको. तो होता है क्या है कि 300 केल्विन पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल जाएंगे, यानी अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं फ्री. अब माइंड में चीज आ रही होगी इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं, इसका मतलब कि अब करंट को फ्लो होना में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. सो कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो अब क्या होगा, जो आपका सेमी कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में, यानी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कराने के लिए कैपेबल हो गया. और कैपेबल होने के बाद क्या होगा, जो वैकेंट सीट क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं होल. अब इसको अपन समझते हैं. सपोज करो दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन. ये क्या है बच्चों, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. और यहां पे दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड. ये क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है. इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जहां से भी आया, सपोज करो ये यहां से आता है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया, यानी अब यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इस खाली जगह को हम क्या बोलेंगे, इस वैकेंट सीट को क्या बोलेंगे, होल. तो ये होल यहां पे क्रिएट हो गया. अब जैसे ही यहां से ये इलेक्ट्रॉन और आगे जाएगा, ओके तो ये यहां पे इसको हिट करके इसको आगे मूव करा देगा, तो यहां पे होल क्रिएट हो जाएगा. अब जैसे ये होल क्रिएट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे बैठ जाएगा. फिर जैसे ये आगे जाएगा तो ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, यानी यहां पे होल क्रिएट होगा. फिर होल क्रिएट होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे चल जाएगा. इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा. ओके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करते रहेंगे और होल पीछे की तरफ मूव करते रहेंगे. एक इलेक्ट्रॉन जब आगे के होल को ऑक्यूपाई करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो पीछे से आया है वहां पे एक वैकेंट सीट क्रिएट कर देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, होल बोलेंगे. तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो होल हो रहे हैं वो भी कंटिन्यूअसली क्रिएट होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से. सो होल हैज द पॉजिटिव चार्ज. ओके इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है. सो इलेक्ट्रॉन चेंजिंग लोकेशन, होल चेंजिंग. ओके जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन चेंज होगी वैसे वैसे होल की भी लोकेशन चेंज होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स. जितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ध्यान रखना बच्चों दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन. ओके जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उतने ही ज्यादा फ्री होल्स या फिर उतने ज्यादा होल्स अवेलेबल होंगे. जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन, आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया था, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो बहुत सारे होल्स भी क्रिएट हो रहे हैं. तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतने ही होल्स भी क्रिएट होते हैं. अच्छा ना अब हम बात करते हैं करंट की, कि करंट की वैल्यू क्या होती है. अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस की कि जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं या फिर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज फ्लो हो रही है वो एक बार इलेक्ट्रॉन के केस में फ्लो हो रही है और एक बार होल के केस में, यानी इलेक्ट्रॉन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो होल बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर होल फॉरवर्ड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ओके और होल को हमने कौन सा चार्ज माना था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज. ओके होल को हमने क्या चार्ज माना है, पॉजिटिव चार्ज. और हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में बच्चों क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है. तो सपोज करो होल, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और इसकी वजह से होल किस डायरेक्शन फ्लो होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो होल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों, दिस वन. बिकॉज हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको मैं आई से डिनोट करूंगा. अच्छा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकाल लिया अपन ने, सो इलेक्ट्रिक करंट की हमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगा, तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे बच्चों IE। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है इसको अपन बोलेंगे IE। और होल तो इसी डायरेक्शन फ्लो रहा है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी, तो इसको हम बोलेंगे IH। तो I इक्वल्स टू IE प्लस IH। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द लिमिटेशन। इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तभी तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी। लिमिटेशंस क्या है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे उसी के बेसिस पे इसकी कंडक्टिविटी होगी। ओके इट इज वेरी लो। ओके ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्री होंगे। ओके टेम्परेचर कम रहेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम फ्री होंगे, फिर नंबर ऑफ होल्स भी कम क्रिएट होंगे। नाउ थर्ड वन, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो नंबर ऑफ फ्री होल्स के बराबर हैं। इट मीन्स अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे हमने जो करंट प्रोड्यूस किया वो करंट होल्स की वजह से ज़्यादा प्रोड्यूस हो और इलेक्ट्रॉन की वजह से कम हो, तो हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल है, तो दोनों ही बराबर करंट प्रोड्यूस करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा उतना ही होल प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अपन ये काम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होने वाले करंट को हम इंक्रीज कर दें, होल की वजह से फ्लो होने वाले करंट को डिक्रीज कर दें। दोनों ही सेम रेशियो में आपका चलेगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए एक नया टाइप का हमने सेमीकंडक्टर बनाया, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके नाउ अपन पेज नंबर 474, बच्चों पेज नंबर 474 ओपन करो। इसमें आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ओके बेसिकली दिस डायग्राम 40 केल्विन। ओके ये वाला डायग्राम आपका ग्रेटर देन 0 केल्विन, और कैसे इट इज अबाउट 300 केल्विन। ओके या फिर ग्रेटर देन 0 केल्विन। ओके अकॉर्डिंग टू बुक आप लिख सकते हो दिस इज योर ग्रेटर देन 0 केल्विन। सो 0 केल्विन पे क्या हो रहा है, जितने भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज डॉट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके ये यहीं अवेलेबल है, बाउंडेड है। ओके कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कराने के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और होल्स चाहिए। बच्चों मैंने होल्स के लिए एक वर्ड यूज़ नहीं किया कि नंबर ऑफ फ्री होल्स, फ्री होल्स नहीं होता वो बाउंडेड होता है, लेकिन होल्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को, या फिर वो भी रिस्पॉन्सिबल है करंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए या फिर होल्स मिल जाए या फिर दोनों ही मिल जाए तो करंट इजिली फ्लो हो जाएगा। ओके या तो इलेक्ट्रॉन मिल जाए फ्री या फिर होल्स मिल जाए या फिर दोनों ही मिल जाए तो करंट इजिली फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ना होल्स है ना फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना ही दोनों है, तो यहाँ पर तो करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब यहाँ पे कंडक्शन बैंड में गए तो दीज आर नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल और यू कैन से इट इज सफिशियंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, या अकेला सफिशियंट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए। बट हमें यह भी तो मालूम है कि होल से भी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे जब तीन इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे तीन होल्स भी क्रिएट हो गए, तो यहां से इन होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन यू कैन सी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द करंट कैन इजिली प्रोड्यूस बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द फ्री और एज वेल एज ओनली द होल्स, नॉट फ्री होल्स, दिस इज ओनली द होल्स। ओके आई होप आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आ जाएंगे। ओके नाउ स्टूडेंट कम टू द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक नए टाइप का सेमीकंडक्टर देखा जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें बेसिकली हम डॉपिंग करते हैं, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके और इम्प्योरिटी किस बेसिस से, पार्ट पर मिलियन के हिसाब से। ओके जैसे 1 इम्प्योरिटी पर मिलियन अमाउंट ऑफ द एटम्स। ओके इस तरीके से हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। अच्छा ये जो इम्प्योरिटी है ये डिसाइड करेगी कि हमें किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है या फिर उसके अंदर से कितने चार्जेस को फ्लो कराना है। ओके ये सपोज करो आपको कोई कलर बनाना है तो कलर को आप जैसे जैसे पानी मिला के डाइल्यूट करते जाओगे तो उसका कलर थोड़ा फेड होता जाएगा। ओके तो आप जैसे जैसे वाटर से मिला रहे हो तो वो क्या बता रहा है कि हाँ कलर हम फेड करते जा रहे हैं। ओके उसकी लाइटनेस हम थोड़ी सी डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो वैसे ही ये इम्प्योरिटी होती है। जैसे जैसे आप इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते जाओगे तो इस सेमीकंडक्टर का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। ओके वो चार्जेस का फ्लो होने का अमाउंट भी चेंज होता जाएगा, वो डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी के ऊपर। तो आपको किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि हमें इम्प्योरिटी कितना मिलाना चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके
तो ये तो समझ में आ गया कि हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कुछ इंप्योरिटी मिलानी पड़ेगी, यानी हमें मिक्सिंग करनी पड़ेगी, यानी डॉप्स को यानी इंप्योरिटी को मिक्स करना पड़ेगा, और दिस प्रोसेस नॉन एज द डॉपिंग। हमें कोई चीज मिक्स करना है सेमीकंडक्टर में, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डॉपिंग। ओके, मिक्स इन अ मेजर क्वांटिटी, जो चीज हम मिक्स करते हैं वो मेजर क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, ऐसे नहीं कि रेंडमली डाल दिया हमने और आपका सेमीकंडक्टर तैयार हो गया। ओके, हमें प्रॉपरली मेजर करके उसको एड करना पड़ेगा, यानी मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अप्रोप्रिएट सेमीकंडक्टर तैयार होगा। ओके, अब हम बात करें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन कैसे रहा है। आपने क्या किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, उसमें डॉपिंग की, तो आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल गया, यानी एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक से ही बन रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि इंट्रिंसिक पढ़ना भी जरूरी है, आइदर इट इज यूज नॉट यूजफुल, बट एक्सट्रिंसिक को समझने के लिए इंट्रिंसिक पढ़ना पड़ेगा। सो हम बात करते हैं टाइप्स की, कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इसके टाइप को डिसाइड करने के लिए या फिर इसके टाइप को कैटेगराइज करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम डॉपिंग किस टाइप की कर रहे हैं। ओके, तो इसके टाइप्स को हम दो पार्ट में देखते हैं, यानी ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका एन टाइप्स और एक पी टाइप, यानी जिसमें हम एन टाइप की मिक्सिंग करेंगे, एन टाइप के एलिमेंट्स की एटम्स की, उसको हम एन टाइप डॉपिंग सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जिसमें हम पी टाइप की मिक्सिंग करेंगे उसको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब ये एन टाइप और पी टाइप क्या होता है इसको देखते हैं। अगर हम एन टाइप डॉपिंग की बात करें या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, ओके, एन टाइप डॉपिंग या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें हम पेंटावेलेंट एलिमेंट ऐड करते हैं। अच्छा, पेंटावेलेंट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। अब माइंड में एक चीज क्लिक कर रही होगी, सर 5, बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम में तो सिर्फ 4-4 थे, पेयरिंग आराम से हो रही थी, इजिली कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, बट यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों पेयरिंग कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री हो जाएगा। यानी टेम्परेचर हमने इंक्रीज नहीं किया, हम 0 केल्विन की ही बात कर रहे हैं, 0 केल्विन पे ही बच्चों आपके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है। ओके, तो समझ में आ गया कि हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी क्यों ऐड की, ताकि आपको हमेशा एक इलेक्ट्रॉन फ्री दिखे। अगर आप एक इंप्योरिटी यानी 1 एटम ऐड करते तो 1 इंप्योरिटी यानी 1 इलेक्ट्रॉन फ्री दिखेगा, आप 2 एटम ऐड करते तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री दिखेगा, अगर आप n एटम इसमें ऐड करते हैं या मिक्स करते हैं तो आपको n इलेक्ट्रॉन फ्री दिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल की बात करें पेंटावेलेंट एलिमेंट की, तो ये है आपके आर्सेनिक और फॉस्फोरस। सो स्टूडेंट, ओपन पेज नंबर 475। ओके, सी द डायग्राम, ये +4 +4 +4 +4, ये क्या बता रहे हैं, आइदर इट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, +5। ओके, ये कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, कितने, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अवेलेबल है। अब होता क्या है कि यहां पे पेयरिंग स्टार्ट होती है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट होता है बच्चों, यहां पे क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो रहा है इन पॉइंट्स पे। इस इंप्योरिटी के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन और अवेलेबल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो होगा क्या कि 4 इलेक्ट्रॉन तो पेयरिंग कर लेंगे, देखो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो पेयरिंग कर ली बाकी सिलिकॉन के साथ और जर्मेनियम के साथ, एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया, तो दिस इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से दिस इज योर अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द पेंटावेलेंट 5 वैलेंसी एटम, ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन आपका 0 केल्विन में भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर चार्जेस को फ्लो कराने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें से कंडक्ट करने के लिए। अगर हमने यहाँ पे n फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, फिर n फ्री एटम ऐड कर लिए, तो यहाँ पे आपको n फ्री अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे। चलो इस डायग्राम को ऐसे समझते हैं। ओके, दिस इज योर डोनर को, अच्छा डोनर का मतलब कि डोनेट करना। ओके, डोनेट करने का मतलब कि ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो डोनेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका डोनर कोर हो गया, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये वाला डायग्राम समझ में आ गया बच्चों, एंड आई होप ये वाला डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। सो हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द होल, तो यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इट डिपेंड्स अपॉन द इंप्योरिटी दैट हाउ मच इंप्योरिटी यू आर गोइंग टू एड ऑन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पे आप कितनी इंप्योरिटी एड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इट मीन्स द करंट प्रोड्यूस बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय द होल्स, तो IE इज ग्रेटर देन IH, ये समझ में आ गया होगा। नाउ द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इन सेमी कंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज डिनोटेड बाय एनी इंटू एन एच, दिस इज योर एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर, और इस इक्वेशन को याद कर लेना,
जो इलेक्ट्रॉन का और होल का कंसेंट्रेशन है, ओके, दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चार्जेस स्क्वायर के कंसेंट्रेशन के इक्वल आएगा। तो ये आपको लर्न कर लेनी है वैल्यू। अच्छा, एक बहुत सा अच्छा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो नेट चार्ज है सेमीकंडक्टर का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? थोड़ा सोचो इसको। अगर सोचा जाए तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो हो सकता है कि उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके पास नेट चार्ज माइनस में हो। ओके, चलो सोचना सही है बट आंसर गलत है। ओके, ये तो मान लिया कि आपने एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बेटा हमारे पास जो हमने इम्प्योरिटी ऐड की थी, ओके, वट एवर कोई सी भी इम्प्योरिटी, सपोज करो हमने यहाँ पे फॉस्फोरस ऐड किया था, तो उसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मैं फॉस्फोरस के अकेले बात कर रहा हूँ, जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उतने ही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो चार्ज क्या हो जाएगा उन दोनों का, न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज। और जो सिलिकॉन हमारे पास ऑलरेडी है, उस सिलिकॉन के पास भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है, प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज सिलिकॉन का भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉस्फोरस ऐड करने के बाद भी उस पूरे सेमीकंडक्टर का जो नेट चार्ज होगा वो बच्चों क्या होगा, जीरो। ओके, आई होप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। हम पी टाइप की बात करते हैं। ओके, जैसे जैसे एन टाइप पे हमने वर्क किया था वैसे वैसे पी टाइप पे भी वर्क करना है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो डोपिंग होगी वो ट्राइवेलेंट टाइप की होगी, यानी सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, यानी एक्स्ट्रा एक होल रहेगा इसमें। ओके, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितने चाहिए थे बच्चों, फोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल रहेगा। सो इसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम, गैलियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी फॉर मेकिंग द पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब हम इसे डायग्राम से समझेंगे। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड डायग्राम। ओके, किसका, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर का। सो दिस इज योर सिलिकॉन, और यू कैन से जर्मेनियम, कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एक इम्प्योरिटी ऐड की, किस टाइप की, ट्राइवेलेंट टाइप की। ट्राइवेलेंट टाइप की इम्प्योरिटी ऐड है, इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओनली थ्री इलेक्ट्रॉन। तो थ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्री कोवेलेंट बॉन्ड को तो बना लेंगे, जैसे वन यहाँ पे बना लिया, टू ओके यहाँ पे हो गया, ओके थर्ड यहाँ पे हो गया, बट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा पूरा, देखो, क्योंकि इसके पास तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो थ्री थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, क्या होगा क्रिएट बच्चों, एक होल क्रिएट होगा। अब होल क्रिएट होगा तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे होल क्रिएट हो गया तो ये होल बहुत अनस्टेबल रहेगा, तो ये आपस के यानी पास का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे जंप करेगा, फिर यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, फिर यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो इसके पास का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पे जंप करेगा, फिर यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट हमारे को दिख रहा है वो किसकी वजह से मेनली प्रोड्यूस हो रहा है, मेनली प्रोड्यूस ड्यू टू द होल। ओके, इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हो ही रहा है बट किसकी वजह से, यहाँ पे होल एक्सेस में है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ओके, एन टाइप में एक्सेस में क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में था, यहाँ पे एक्सेस में क्या है, होल्स एक्सेस में। यहाँ पे अगर मैं एन एटम्स ले लूंगा तो कितने नंबर ऑफ होल्स मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, एन होल्स मिलेंगे। सो कम टू दिस डायग्राम। ओके, ये सराउंडिंग में सिलिकॉन या जर्मेनियम है, सेंटर की बात करें यहाँ पे इसके पास एक होल एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें एक्सेप्टर कोर बोलूंगा, याद है उसको हमने डोनर बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, क्योंकि ये वाली जो इम्प्योरिटी है ये कैपेबल होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर कोर भी बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट, कम टू द पी टाइप। ओके, इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, और ये इक्वेशन भी हमें मालूम है, दैट इज एनी इंटू एन एच इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर। और इस पर भी अगर हम बात करें तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि आपको ये एन टाइप में मैंने समझा दिया ऑलरेडी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ना हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की। सबसे पहले हम लेते हैं एन टाइप, और जिसमें आपको मालूम है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ओके, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको अवेलेबल हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट इसकी वजह से फ्लो रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे डोपिंग की थी तो यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल क्रिएट हुआ है। ओके, जिसके बीच में कंडक्शन बैंड, उसके लोअर बैंड में कितना गैप आ रहा है, 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट का, क्लियर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं पी टाइप की। ओके, जिसमें हमें मालूम है कि जो करंट फ्लो रहा है उस करंट फ्लो होने में जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों, होल,
इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन इतना मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको होल्स ज्यादा दिखाई देंगे बच्चों, दिखाई दे रहे हैं ये होल्स ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और डोपिंग की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी लेवल में शिफ्टिंग हुई वो कितनी हुई है, 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी दिखा दिया गया है कि चलो ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। चलो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स की, किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेनिफिट्स क्या क्या है। नॉर्मल सी बात है, बेनिफिट्स है तभी तो हम इसको इंट्रिंसिक की जगह यूज कर रहे हैं। फर्स्ट बेनिफिट की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी हमने बहुत इंप्रूव कर दी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे थे वही इसके अंदर करंट को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डोपिंग के बेस्ड पे, यानी हम जितनी ज़्यादा डोपिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपने क्या कर दी बच्चों, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। सेकेंड वन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, यानी जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी थी वो अब नहीं रही। आप सिंपली डोपिंग ज़्यादा कर दो, ओके, जो इम्प्योरिटी है वो ज़्यादा ऐड कर दो, कम ऐड कर दो, उसी से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्स ज़्यादा और कम क्रिएट हो जाएंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी खत्म होगी। आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और जो नंबर ऑफ होल्स हैं अब वो इक्वल नहीं है। यानी अगर हम चाहें तो, अगर हम सिर्फ चाहें कि हम तो सिर्फ होल्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बेनिफिट समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद पीएन जंक्शन। सो फॉर पीएन जंक्शन पेज नंबर 478, ओके, ओपन पेज नंबर 478, ओके। सो स्टूडेंट, पीएन जंक्शन जैसा कि नाम से लग रहा है, हमें एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है और उन दोनों को ज्वाइन करना है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया और आपका पीएन जंक्शन बन गया। नहीं, इसका एक प्रोसेस होता है। सो प्रोसेस क्या होता है, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सपोज आपके पास एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ओके, सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, उस एन टाइप के सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के ऊपर पी जो इंप्योरिटी थी, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया था एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को हम उसके ऊपर डिफ्यूज कर देंगे। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम वाला जो पार्ट है आपका या फिर एल्यूमिनियम जो है उसको हम एन टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर डिफ्यूज कर देंगे। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, तो इससे आपका पी बन जाएगा। क्लियर, तो हमारे को करना क्या है, यहां पे पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेना है, ओके, या फिर आप एन टाइप का भी ले सकते हो, एन टाइप का भी सेमीकंडक्टर ले सकते हो, डिपेंड करेगा कि आपको फिर डिफ्यूजिंग अलग करनी पड़ेगी। जैसे अगर पी टाइप का लोगे तो इस पे एन की डिफ्यूजिंग करोगे, एन टाइप का लोगे तो इस पे पी की डिफ्यूजिंग करोगे, ये हो जाएगा। तो डिफ्यूजिंग करने से क्या होगा, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर, एक ओवरऑल जंक्शन बनके तैयार होगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों पीएन जंक्शन। ओके, तो पीएन जंक्शन में हम डायग्राम की बात करें, ओके, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका आपका। सपोज दिस इज योर पी साइड और दिस इज योर एन साइड, और हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो पी साइड होता है उसमें मेजोरिटी में क्या होते हैं बच्चों, होल्स, और जो एन साइड होता है उससे मेजोरिटी में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो पी साइड को जैसे सपोज करो दिस इज द मार्जिन लाइन बिटवीन पी एंड एन, तो पी साइड के मैं होल्स को इस तरीके से डिनोट करूंगा, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स या फिर एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स को इस डॉट के फॉर्म में। क्लियर, अब हम बात करते हैं किसकी, डिफ्यूजन की। होता क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या फिर कोई भी पार्टिकल हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ओके, नेचर है, ओके, कोई भी चीज अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है या फिर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहां पे भी अगर मैं इन होल्स की बात करूं तो होल्स का कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा और यहां पे कम है, तो ये होल्स इस साइड मूव करेंगे बिकॉज यहां पे होल्स का कंसेंट्रेशन कम है। तो होगा क्या, यहां पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, यहां पे आपके होल्स पहुंच जाएंगे। क्लियर, आई बात समझ में, और होगा क्या, उसी के जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रॉनों का कंसेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव होकर आ जाएंगे। क्लियर,
तो यहां पे आपके पास एक इस तरीके से एक रीजन दिखाई देगा जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस तरीके से इस बीच वाली लाइन के या फिर सेंटर लाइन के आसपास दिखाई देंगे। बट ध्यान रखना, होल्स इस साइड है तो होल्स वाला ये पार्ट या फिर ये होल्स एन साइड में चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इस साइड है एन साइड में, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके पी साइड में आ जाएंगे और इस तरीके से एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया। अच्छा, ड्रिफ्ट करंट की हम बात तब करेंगे जब यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा समझा दूंगा, तो उस टाइम में हम ड्रिफ्ट करंट की बात करेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि द चार्ज कैरियर मूव फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक वर्ड आएगा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसमें चार्ज क्या होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। क्लियर? अब होता क्या है यहां पे कि जो डिफ्यूजन रेट है, अगर हम डिफ्यूजन रेट की बात करें, डिफ्यूजन रेट तो समझ में आ गया किस रेट से चार्ज पार्टिकल अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं या फिर लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज अ डिफ्यूजन रेट। डिफ्यूजन रेट जो होती है बच्चों, वो रिकॉम्बिनेशन रेट से बहुत ज्यादा होती है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ रिकॉम्बिनेशन रेट? रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होता है बच्चों? सपोज करो यहां से होल्स इधर जा रहे हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन और ये होल्स रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो रिकम्बाइन हो जाएंगे तो यहां पे ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे। बट ये रिकॉम्बिनेशन बहुत स्लो होता है, जिस रेट से डिफ्यूजन होता है उसके कंपेरिजन में रिकॉम्बिनेशन बहुत स्लो होता है। तो क्या होता है यहां पे आपको इस तरीके से एक बैरियर बनता हुआ दिखाई देगा, हालांकि ये बैरियर रिकम्बाइन भी हो रहा है बट उसकी रिकम्बाइन होने की रेट बहुत ही स्लो है। तो यहां पे आपको एक इस तरीके से एक बैरियर बनता हुआ दिख जाएगा। ओके, ध्यान रखना बच्चों, रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो आपके डिफ्यूजन रेट से बहुत ही कम है। अब यहां पे जो बैरियर बना है, इस बैरियर को अगर देखा जाए तो ये जो होल्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से एक बैटरी की तरह काम करेगा। ओके, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल भी बोलेंगे। ध्यान से देखो, दिस इज द पॉजिटिव साइड बिकॉज या फिर ड्यू टू द होल्स, दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इट मींस इट रिप्रेजेंट द नेगेटिव पार्ट। सो ये क्या करेगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बैरियर पोटेंशियल। अब बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद, जैसे बैरियर पोटेंशियल तो यहां पे क्रिएट हो गया, तो यहां पे बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, या फिर ये जो होल्स हैं, ये एक बैटरी की तरह, जैसे सपोज करो दिस इज द माइनस दिस इज द प्लस, ये एक बैटरी की तरह काम करेंगे। और यहां पे क्या होगा कि ये जो, अब जैसे बैरियर बन गया तो अब यहां पे जो होल्स हैं ये इस तरफ मूव करने की टेंडेंसी लेस कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे मूव करने की टेंडेंसी लेस कर देगा, क्यों? क्योंकि अब यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे भी अवेलेबल है, ये होल्स के भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन का फर्दर डिफ्यूजन होना रुक जाएगा। उसी तरीके से ये होल्स इस होल्स की तरफ ट्रांसफर होना स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या होगा यहां पे फर्दर डिफ्यूजन होना रुक जाएगा। ओके, एक लिमिट के बाद। तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको तो बैरियर पोटेंशियल बोल दिया, और ये जो रीजन जो क्रिएट होता है, दिस रीजन इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिप्लीशन रीजन। आई होप डिप्लीशन रीजन भी समझ में आ गया होगा। ओके, सो अ लाइन कम्स दैट ड्यू टू द डिप्लीशन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल। इस डिप्लीशन रीजन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी ये पोटेंशियल क्रिएट होता है यहां पे, और इसी पोटेंशियल को हम क्या करेंगे बच्चों? बैरियर पोटेंशियल। यानी अब क्या होगा कि यहां पे चार्ज का जो आना जाना है वो आपका स्टॉप हो चुका है। अच्छा बच्चों, ये सारी थ्योरी आपको पेज नंबर 478 में मिलेगी, और आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है फिगर नंबर 14.10, अब आपको ये फिगर भी आपको समझ में आ रहा होगा। इस फिगर में साफ लिखा हुआ है कि होल का डिफ्यूजन इधर हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर हो रहा है, बीच में आपके डिप्लीशन रीजन बन रही है, ओके, और फिर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट? ओके, या फिर ड्रिफ्ट करंट क्या होता है? देखो, यहां पे मेजॉरिटी कैरियर तो फ्लो होना बंद हो गया, ये चीज तो दिखाई देगी आपको, लेकिन क्या होता है कि यहां पे कुछ माइनॉरिटी कैरियर भी प्रेजेंट होंगे। सपोज करो मैं पी साइड की बात करूं तो यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, यहां पे मैं एन साइड की बात करूं तो यहां पे कुछ होल्स भी होंगे। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो होल्स तो रिपेल हो रहा था, बट ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे। यहां पे क्या हो रहा था बच्चों? इलेक्ट्रॉन तो रिपेल हो रहे थे, बट होल्स क्या होंगे? ये अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि इन माइनॉरिटी कैरियर का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी माइनॉरिटी कैरियर जो होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, इस सिचुएशन में,
तो इस सिचुएशन में जो माइनॉरिटी कैरियर मूव करेंगे उसकी वजह से एक करंट जनरेट होगा और उस करंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ड्रिफ्ट करंट। तो एक ड्रिफ्ट करंट भी एक नया टर्म आपके लिए, ओके, सो दिस इज योर ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट के लिए हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट करंट इज सच टाइप ऑफ करंट विच फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर। ओके, माइनॉरिटी कैरियर जो है उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो आपका ड्रिफ्ट करंट होगा। बच्चों ध्यान रखना, यहां पे एक बैरियर प्रोड्यूस होगा, इस बैरियर का अपना एक फील्ड जनरेट होगा या फिर ये बैरियर अपना एक फील्ड जनरेट करेगा, जिस फील्ड की वजह से जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होंगे और जो सेम टाइप के चार्ज पार्टिकल है वो रिपेल होना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे हो क्या रहा है, जो होल है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसीलिए होल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, बट इलेक्ट्रॉन और ये होल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन होल का या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो रहा है। ओके, तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इस साइड से क्या आ रहे हैं बच्चों, होल्स मूव कर रहे हैं, बट माइन्यूट क्वांटिटी में, जो इनकी क्वांटिटी है ये बहुत ही कम है, जिसकी वजह से यहां पे जो करंट जनरेट हो रहा है वो भी इतनी हाई क्वांटिटी का करंट जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको हम माइनॉरिटी करंट भी बोलेंगे और ड्रिफ्ट करंट भी बोलेंगे।